वाओ, इनका घर कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है ना। बड़ा घर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए। तुम ना अपने फलसफे अपने पास ही रखो। बेटा तुम दोनों अपने फलसफे जो है ना वो अपने पास रखो और उतरो गाड़ी से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटियां इतने बड़े घर में जाएंगी। बेटियां नहीं, बेटी कही है। देखा मम्मी आपने किस तरह मेरा दिल जलाती है ये। इनकी गाड़ियां कितनी अच्छी है ना, हमारी गाड़ी तो कुछ भी नहीं लग रही इनके सामने। बस दूसरों की चीजें देखते ही एहसास कमतरी का शिकार हो गई। इसीलिए अम्मी, इसीलिए कहती हूँ कि अपने बराबर के लोगों में रिश्ता करना चाहिए, और मैं भी इसी के हक में हूँ। तुम ना चुप ही रहो, अपना मुंह बंद रखना अंदर भी प्लीज। अच्छा अंदर मुंह बंद रखूं और घर जाके तुम पे शुरू हो जाऊं मैं? तुमसे तो कोई बात करना ही बेकार है। बेटा मैंने कहा ना अब ये अपनी बहस फजूल की बंद करो, उतरो। वो देखो शेरियार भी आ गया, चलो उतरो। वैसे आई होप कि हमारी होने वाली भाभी आज कुछ बेहतर हुलिया में आई होंगी। आई होप सो। तुम अपनी होने वाली भाभी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? क्या तुम अपनी जबान बंद नहीं रख सकती? मैंने ऐसा क्या कह दिया? और जबान पर काबू तो तुम्हें रखना चाहिए आफान। क्या जरूरत थी आफान भाई के मुंह लगने की? क्यों, ऐसा क्या बोल दिया मैंने तुम्हारे आफान भाई को? सही तो बोला है, अकल की बात भी नहीं समझाओ यहाँ तो किसी को। अच्छा चलो छोड़ो, हम लोग अंदर चलते हैं। जी नहीं, मुझे नहीं जाना और ना ही मुझे कोई शौक है उन लोगों की शक्ल देखने का। तुम ही जाओ। ओ, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा। नहीं तुम जाओ अपनी प्यारी भाभी के पास, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में।